नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं फन की मन। अभी हैदराबाद में एक प्रतिभावान चिकित्सक युवती के साथ समाज के बीच रहने वाले दरिंदों ने जो कृत्य किया है वह निंदनीय तो है ही, शर्मसार कर देने वाला भी है। जिस देश में नारी को देवी का दर्जा दिया जाता हो, उस देश में उसी देवी के साथ घिनौना कृत्य हो जाए, यह निश्चित ही हमारे समाज के लिए गंभीर बात है। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति तो यह है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से विरोध और समर्थन किया जाता है। हमारे देश की सरकारें नारी सुरक्षा के नाम पर कई प्रकार के अभियान चलाती हैं। दुष्कर्म करने वाले दरिंदों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बात भी की जाती है, लेकिन यह बातें घटना हो जाने के बाद कुछ समय तक ही सुनाई देती है। बाद में देश फिर उसी राह पर चलता हुआ दिखाई देता है जिस रास्ते पर ऐसे गुनाह होते रहे हैं। देश में कठोर कानून होने के बावजूद असामाजिक तत्व दुष्कर्म का घिनौना कृत्य करने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। इसीलिए सवाल यह है कि ऐसे कानून से क्या फायदा जिसका डर ही न हो। ऐसे कानूनों को सिरे से समीक्षा होनी चाहिए। जिस भारत में बेटी है तो कल है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे गुंजित होते हैं, उसी देश में एक पढ़ी लिखी बेटी दरिंदों के हवस का शिकार हो जाती है। इतना ही नहीं, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इससे व्यभिचार करने वाले की मानसिकता का पता चल जाता है। उनके मन में बहन बेटियों की इज्जत के लिए कोई मायने नहीं। इनकी शिकार केवल 27 वर्षीय युवती ही नहीं है, ये दरिंदे मासूम बच्चियों के साथ भी ऐसी खेल खेलते दिखाई देते हैं। देश में कई बार ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें कभी कभी 6 माह की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो कभी 5 साल की बच्ची के साथ। ऐसे वातावरण में किस प्रकार से बेटी की सुरक्षा की जाए, कैसे बेटी को पढ़ाया जाए, यह चिंता की बात है। इस दर्दनाक और सर्वनाक घटना के बाद सवाल यह भी उठता है कि एक विशेष समुदाय के साथ घटित होने वाली ऐसी घटनाओं के बाद आसमान सिर पर उठाने वाली यह संस्थाएं अब चुप क्यों हैं जो न्याय की मांग करती हैं। अब लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस कांड में जो आरोपी हैं वह एक विशेष वर्ग से संबंधित रखते हैं, इसीलिए भी उनके विरोध में उतनी आवाज नहीं उठाई जा रही जितनी उठाई जानी चाहिए। यह विसंगति ही है कि ऐसे मामलों को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। वास्तव में व्यभिचारी किसी भी समुदाय का हो, हमारे समाज और नारी सम्मान के लिए कार्य करने वाले संस्थाओं को उनके विरोध में तीव्रतम आवाज मुखरित करना ही चाहिए। ऐसे में उन सभी संगठनों को भी आगे आना चाहिए जो हर बार सड़क पर आते हैं, नहीं तो अन्याय करने वालों के हौसले और ज्यादा बढ़ते जाएंगे और फिर किसी महिला को ऐसी ही दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। इस घटना को लेकर जो बातें सामने आ रही है उसे सच माना जाए तो यही लगता है कि डॉक्टर युवती के साथ इस प्रकार का कृत्य करने के पहले से ही योजना बनाई गई थी। उसकी स्कूटी को अपराधियों ने पंचर कर दिया था, फिर उसी पंचर बनाने में मदद करने के नाम पर कुछ व्यक्ति सुनसान स्थान पर ले गए। इस दौरान युवती ने अपने घर भी फोन किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और 7 घंटे तक दुष्कर्म करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह भी आता है कि क्या हमारे देश में बेटियां कहीं अकेले नहीं जा सकती, क्या वे इस देश में सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटनाओं के बाद यह सवाल अनुत्तरित से लगते हैं। हैदराबाद में चिकित्सक युवती के साथ घटित इस हृदय विदारक घटना के बाद भी शासन और प्रशासन की आंखें नहीं खुली। नतीजन उसी क्षेत्र में वैसा ही एक और मामला सामने आ गया। दूसरे दिन भी एक युवती की जली हुई लाश मिली। कहा जाता है कि उस युवती के साथ भी दुष्कर्म हुआ है। सवाल यह है कि इस प्रकार के कृत्य कब तक होते रहेंगे। अगर ऐसे कृत्यों को रोकना है तो दुष्कर्मियों को ऐसी सजा देनी होगी जिसे देख कर किसी भी बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करने का साहस ना हो पाए। अगर ऐसा होता है तो फिर हम उस नारे के साथ न्याय कर पाएंगे जिसमें कहा जाता है कि बेटी है तो कल है, वरना भारतीय नारियों के बारे में यही कहा जाता रहेगा कि अबला तेरी यही कहानी। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो के माध्यम से इस अभियान से आप जुड़ें, अपने कमेंट्स इस वीडियो पे दें। धन्यवाद।